सिंगर प्रदीप राजन और चित्रा शुक्ला, डायरेक्टर राज सोरानी अपने न्यू सॉन्ग फुर्सत को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए नजर आए। आप भी देखें ये वीडियो कि आखिर पवनदीप ने क्या कहा अपने सॉन्ग को लेकर, अपने को स्टार को लेकर। पवनदीप बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे गाने आते रहते हैं, तो कब से काम कर रहे हैं हम लोग, गानों के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे अच्छे अच्छे गाने आए। तो उन्हीं अच्छे गानों में से हमने कोशिश की है अपना दूसरा गाना निकालने की और बहुत अच्छे से चित्रा जी ने मैक किया है और हमने और अनुता ने गाया है वो गाना, तो बहुत सुंदर गाना है और बहुत अच्छा लगा, कुछ नया करने को मिला क्योंकि हम लोग हमेशा सुंदर म्यूजिक वाले हैं तो म्यूजिक ही करते रहते हैं, जिसमें कुछ एक्टिंग वगैरह भी करनी पड़ी, चेहरा बनाना पड़ा, कुछ ऐसा करने का वो में दिक्कत होती है मुझे उसमें, पर हो गया, सब लोगों ने बताया तो हो गया। आप क्या बताना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर? गाना अपने आप में बेहद सुंदर है क्योंकि उसे सभी जानते हैं कि पवनदीप ने और अरुणिता ने गाया है और उनकी आवाज़ में जब हम वो शूट कर रहे थे तो अपना ही एक यू नो इंटरेस्ट आता है बिकॉज वो इतना सुंदर लगता है सुनने में। जैसे कि सभी इनके फ़ैन हैं और अरुणिता के भी फैंस हैं, तो जब मैं सुन रही थी ना तो मैं मतलब वो जो फ़ैन वाला फैनलिज्म होता है वो मैं भी कहूँगी कि मैं भी इनके फ़ैन बनती चली जा रही थी, इट वॉज़ लाइक इंक्रीजिंग। तो गाना अपने आप में खुद ही इतना सुंदर है उनकी आवाज़ में, और हमने जब बनाया तो राज सर का जो कंपोजिंग है, कोरियोग्राफी है, जो कंसेप्ट इनके दिमाग में चल रहा था तो वो काफ़ी अलग अलग तरह से था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये गाना सिर्फ एक ही दिन में हमने किया है, कम्प्लीट वन डे में। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि जब राज ने मुझे बताया कि चित्रा ये गाना है और ऐसा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के उन्होंने जब बताया कि ये उनकी प्रिपरेशंस हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्हें करना है। तो वी मेड, हमने एक दिन रिहर्सल किया और नेक्स्ट डे हमने सॉन्ग कंप्लीट किया। सो ये अपने आप में इतना सुंदर होते जा रहा था ना, तो आई वॉज वेरी श्योर कि जब भी ये बनकर तैयार होगा तो बहुत सुंदर लगेगा, और हमें उसका रिस्पांस देखने को मिल ही रहा है कि सभी को बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो गाना है फुर्सत, मैं सबसे पहला जिसने म्यूज़िक दिया है काशी जी ने, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और हम लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाता है, जैसे कि DDLJ और थोड़ा उस 90s के दौर में भी लेके जाता है, और जैसे कि आशिकी के गाने हैं, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सब का मेलोडी था। तो सब जब मैंने पहले ये गाना सुना था तो ये जो फुर्सत की जो लाइन है, मुझे फुर्सत ही नहीं, खाली मुझे वही अच्छा लगा था लिरिक्स में पूरे में। फिर हम लोग ने पूरा उसको चेंज कर दिया लिरिकली, अराफात जी ने और मुकेश मिश्रा जी ने इनका लिरिक्स दिया है उसके अंदर, और पवनदीप और अरुणिता का जो आवाज़ है वो एक्चुअली सीधा दिल को छूती है ये गाने से। जब ये रिकॉर्ड भी कर रहे थे तो पवनदीप ने जरा अलग वे से गाया है इसको, मैंने इनको एक रिक्वेस्ट किया था और एक अच्छा एक अलग स्टाइल से गाया है पवनदीप ने। अरुणिता आई थिंक शी इज़ वेरी अंडररेटेड सिंगर एंड आई थिंक बहुत आगे जाएंगी वो। और जब ये शूट भी कर रहे थे तो ये सर कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कपल जो होता है जो टीनेजर में, उसमें हमेशा एक झगड़ा होता है और एक इनसिक्योरिटी होती है एक दूसरे के खिलाफ कि अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले की तरह, तो क्या है दूसरा लड़की या लड़के को बोलती है, लड़का लड़की को बोलता है, तो क्या है वो लड़का उसको इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है या कुछ भी करता है, ये हर एक कपल के बीच में होता है। तो हम लोग ने वही कॉन्सेप्ट रखा था कि जब लड़की कंप्लेंट करते हैं तो पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, या लड़की लड़की झगड़ा बहाने ढूंढती है झगड़ा करने के, लड़का ढूंढता है, तो ये तरीके का कॉन्सेप्ट है कि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं तुमसे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि एक रोमांटिक लव स्टोरी, एक डेट पे जो गया है कपल उसके ऊपर ये फिल्म आया। सर, ये पवनदीप आपसे जानना चाहूँगी कि सिंगिंग करते हुए फिर परफॉर्मेंस देते हुए किस तरह की आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि शूटिंग का बहुत दिक्कत होती है, शूटिंग में तो जैसे गर्म होता है बहुत ज़्यादा, एक शॉट पाँच बार लेते हैं तो ऐसा मन करता है कि क्यों हो रहा है, वो बन के आता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, गाना तो ये है कि हम लोग बचपन से म्यूज़िक ही कर रहे हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि सर लोग जैसा बताते हैं तो उसको निकाल के हम लोग कर सकते हैं। एक्टिंग में बहुत दिक्कत आती है लेकिन सर लोगों ने बताया जिस तरह से करना है, क्या करना है गाने को, ये कैसे एक्सप्रेशन होंगे, कैसे शूट होगा, हाथ को कैसे खोलना है, कभी भी आधे हाथ खुलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है स्क्रीन पर, तो सारी प्रैक्टिस की हम लोगों ने रिहर्सल्स किए हैं और
सामने हैं तैयार होके एकदम फ्रेश, तो चाहेंगे कि बहुत प्यार मिले। शूट करते हुए कितना एंजॉय किए या फिर कितना चैलेंजिंग पार्ट रहा आपके लिए? चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा, जैसे सर लोग सब बता ही दे रहे थे कि कब क्या करना है, हमें तो बस खड़े रहके उसमें वो करना था, तो बड़ा आसान कर दिया था सर लोग ने। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक्ट भी करना है और गाना तो हमने गाया ही है, पर एक्ट करना है और एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कैसे दूंगा, अभी गुस्से वाला चेहरा बनाना है तो नहीं हो पाता है मुझसे, बट उसमें हुआ तो कोशिश की हमने। चित्रा आपसे जानना चाहूँगी आप कितना एंजॉय की शूटिंग करते हो? मैं एक्टिंग करते आ रही हूँ, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत आसान है, नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं एक रहता है कि हमें एक्टिंग करनी है, बट आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि जो मेरे डायरेक्टर मुझसे क्या चाहते हैं, तो आई फील एट द टाइम वेरी न्यूट्रल, वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम मी आई ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग, आई फॉरगेट माई सेल्फ लाइक ओके आई एक्टेड वॉट एवर प्लेस इन मूवी और इन एड लाइक वेर एवर, सो मुझे ऐसा रहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, आप मुझे बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सप्रेशन चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मुझसे, तो आई ऑलवेज फील कि वहाँ पे हमें है ना ज़ीरो फील करना चाहिए खुद को, तो मुझे जैसे राज ने बताया कि मुझे ये करना है, ये चाहिए मुझे, एकदम सिंपल सिटी चाहिए, यू आर लाइक यू नो तुम प्यार में हो, और जैसे कि अभी आपको बताया पवन ने कि इट इज़ चैलेंजिंग, तो वो रहता है कि 5 बार आपके शॉट्स हो रहे हैं, पता नहीं डायरेक्टर कौन सा शॉट पसंद करेंगे कौन सा रखेंगे, तो क्या होता है कि कई बार अगर पवन का वो शॉट अच्छा आ रहा है और मेरा नहीं अच्छा आ रहा, तो फिर से पवन को करना पड़ेगा बिकॉज मेरा अच्छा नहीं आया, और मेरा शॉट अच्छा आ गया और पवन का नहीं आया तो उन्हें, तो हमें वो टाइमिंग केमिस्ट्री भी मैच करनी होती है कि उस टाइम पे हम दोनों का शॉट अच्छा है, ताकि सर को अगर वो शॉट पसंद आ गया जो पवन ने किया है तो मेरा एक्सप्रेशन तो चुभ जाएगा, ओह शिट लाइक, सो इट इज़ चैलेंजिंग समवेयर एल्स, लाइक कि हाँ है, तो हमें बहुत ही फोकस रहना होता है अपने काम पे, बट एक बात है कि मैं हम करते हैं सिंगर्स के गाए हुए गानों पे लिप सिंग सॉन्ग, बट मैं पवन से पूछना चाहूँगी कि जब वो खुद ही के गानों पे गाना कर शूट करते हैं लिप सिंग करते हैं तो उनको कैसा फील होता है? अच्छा ही लगता है, आवाज़ में अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है। मैं बताना चाहूँगी ये दबाव रहता है कि मैच करेगा लिप सिंग या नहीं, किस तरह से? नहीं उसको तो नहीं, पवनदीप को तो गाना पूरा याद ही, उनकी जो मतलब अच्छा ही है, मतलब खुशी हुई अपने गाने में खुद ही गाते हैं तो कैसा सुनाई देगा, मतलब क्योंकि मेरी आवाज़ है अगर कैसे किसी हीरो के पीछे लगी तो उनसे मैच हो रही है, वो मेरी आवाज़ मेरे से मैच नहीं होती है, मतलब शक्ल के अनुसार वो आवाज़ मैच नहीं होती, नहीं नहीं होती है, होती है होती है जब आप मेरे को प्ले करते हो तो मैच होती है, और वैसे